सारे महीनों के नाम अरबों ने रखे, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जुमादुल उला, जुमादुल थानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज। इसमें जो रमज़ान है ये नाम अल्लाह ने रखे, बाकी महीनों के नाम तो रखे अरबों ने। जब उनकी ज़ुबान पे अल्लाह लाया रमज़ान, चूँकि अभी तो दुनिया भी नहीं बनी थी और अल्लाह ने कुरान की तिलावत फरमाई थी, उस कुरान में था शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। तो रमज़ान का नाम अल्लाह ने पहले से चुन रखा था, फिर उनसे रखवा दिया। रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं कि इसमें गुनाह जल जाते हैं। मुसलमान पहला रोज़ा रखता है और उसके गुनाह अल्लाह जलाना शुरू करता है, उसकी भूख पे आस की आग में गुनाहों को डालता है, जलाता है। आखिर 29 रमज़ान या 30 रमज़ान आखिरी रात अल्लाह ताला उसकी पिछले साल के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो इसको इससे तशबीह दी गई कि जैसे जलने से चीज़ ख़त्म हो जाती है, रमज़ान के रोज़े की भूख और प्यास की तपिश से अल्लाह ताला पिछले साल के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते। ये रहमतों का महीना, हर चीज़ की बरकत का महीना, हर शय की अल्लाह के तरफ से फरावानी इसमें है, इल्म की भी, हिदायत की भी, रिज़्क की भी। गरीब से गरीब आदमी भी समोसे बना के बैठा होता है, पकौड़े बना के बैठा होता है, और दस्तरखान पे एक की बजाय तीन चीज़ें पड़ी होती हैं। रोज़ा जो होता है भूख के लिए, पर वो इतना खाते हैं कि सहरी का खाना इफ्तारी तक हजम नहीं होता, और इफ्तारी का खाना सहरी तक हजम नहीं होता, पर ना दोनों का ही खाना, मतलब भूख ना लगे, भूख ना लगे। भूख लगने के लिए तो रोज़ा है, एक तो ये जिस्म को साफ करता है, दूसरा गरीबों की गुर्बत का एहसास पैदा करता है कि जो भूख तो आज बर्दाश्त करता है, गरीब रोज़ाना ये भूख बर्दाश्त करता है। तो अल्लाह के गरीबों का, गरीब बंदों को की खिदमत कर, उन तक अपने माल पहुंचा, अपना अल्लाह ने दिया है तो उनको भी उसमें शरीक कर। फिर अल्लाह ने इस महीने का नाम खुद रखा शहर रमज़ान, शहर रमज़ान। रमज़ान इल्म का महीना है, सोने का नहीं है, खाने का नहीं है, समोसे पकौड़े का नहीं है, रमज़ान इल्म का महीना। शब कदर इसमें है, अल्लाह का अर्श पहले आसमानों पर है, सारा दिन सारी रात अल्लाह के ऐलान हो रहे हैं, कोई बख्शिश चाहने वाला, कोई माफ़ी चाहने वाला, कोई रिज़्क चाहने वाला, कोई हिदायत चाहने वाला, कोई शिफा चाहने वाला, और फरिश्तों के ऐलान हो रहे हैं, भलाई करने वाले आगे बढ़, बुराई करने वाले बस कर ले। तो जो रहमत है रमज़ान में, मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान क्या है, तो ये तमन्ना करेंगे कि काश सारा साल ही रमज़ान।